मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ओएमआर सीट भरो बिल्कुल आसान तरीके से। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको एक साथ मिलेगा। ओएमआर सीट कैसे भरना है यह आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले गूगल पर सर्च कर देना है, मगध यूनिवर्सिटी .ac.in लिखकर आपको गूगल पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों नया विंडो ओपन होने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है, आप लोगों को यहां पर आप लोगों को दिख रहा है न्यू नोटिस, व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो और ओपन हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंटरनेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा ये सर्वर जो है काम कम कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें, ज्यादा नहीं, 2-4 सेकंड, ठीक है। उसके बाद नया विंडो ओपन होने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यह बता दूं सभी स्टूडेंट्स को, देखिए सभी जानकारी मगध विश्वविद्यालय यानी मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। जैसे सब्सक्राइब करोगे सभी जानकारी एक साथ आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, 29 तारीख है आज और 29 तारीख को पेपर है आप लोगों का, 8 वालों स्टूडेंट्स का LSW है, ठीक है। जो 8 लिए हैं उनका LSW पेपर है और जो साइंस लिए हैं उनका साइंस वालों का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। साइंस वालों का आज कोई पेपर नहीं है, फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से 12 बजे तक वाला कोई पेपर नहीं है, सिर्फ 8 वालों का है LSW, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ सेकेंड सिटिंग वालों का, सेकेंड सिटिंग वाले भी वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। साथ में साथ इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि आपको OMR शीट कैसे भरना है, साथ में साथ क्वेश्चन पेपर ऑन शीट कैसे मिलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 29 तारीख का जो पेपर है, आप लोगों को पता है कि सेकंड सेटिंग में 2 बजे से लेकर जो 4 बजे वाला पेपर होने वाला है आप लोगों का 29 तारीख को। देखिए जो 8 लिए हैं, 8 वाले स्टूडेंट्स का म्यूजिक स्टडीज है और साइंस जो लिए हैं उनका स्टडीज है और कॉमर्स वालों का PR इकोनॉमिक है, ठीक है, PR इकोनॉमिक। उसके बाद यहां पर देखिए अब मैं आपको यह बता दूं कि आप लोगों का अगला दिन जो पेपर होगा 1 तारीख को होगा, तो 1 तारीख को अगला दिन पेपर होम साइंस का है 8 वालों का और साइंस वालों और फिजिक्स कॉमर्स वालों का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। फिर 8 वालों का सेकंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वाला पेपर फिलॉसफी है, ठीक है, फिलॉसफी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉम्पोजिशन यानी साइंस वालों का कॉम्पोजिशन और कॉमर्स वालों का कॉम्पोजिशन। यदि अगर आप हिंदी कॉम्पोजिशन है या इंग्लिश कॉम्पोजिशन 50-50 नंबर का है तो उसी दिन पेपर देने जाना है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है कॉम्पोजिशन का तो आपको 1 तारीख को उसी दिन पेपर देने जाएगा, यानी साइंस वालों का 100 नंबर का है तो उसी दिन, अगर हिंदी 50 है इंग्लिश 50 है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का उसी दिन उसी समय में पेपर होगा, पहले हिंदी का होगा फिर इंग्लिश का होगा, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब वहीं पर बात एक नज़र डाल लेते हैं दूसरे पार्ट टू के स्टूडेंट्स की, क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी जानकारी आपको एक साथ मिलेगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ओके। उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं कल की पेपर 29 के, आज पेपर 29 तारीख को पार्ट वन के छात्रों का है तो वहीं पर बात कर लेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर देख सकते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि 30 तारीख को पेपर यानी कल को पेपर पार्ट टू के छात्रों का है, तो पार्ट टू के स्टूडेंट्स जो 8 लिए हैं, 8 वालों के स्टूडेंट्स का होम साइंस है 30 तारीख को यानी कल को और साइंस कॉमर्स वालों का कोई पेपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं सेकंड सीटिंग में, तो सेकंड सीटिंग वालों का देखिए जो भी सेकंड सीटिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो लिए हैं सेकंड सीटिंग में पेपर देने वाले हैं कल को, ठीक है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वाला, तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सेकंड सेटिंग वाले हैं, सेकंड सेटिंग में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 30 तारीख को पेपर जो सेकंड सेटिंग में होने वाला है आप लोगों का, 30 तारीख को सेकंड सेटिंग में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पेपर होने वाला है, यहाँ पर पहला पेपर है फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी है। उसके बाद कॉम्पोजिशन है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी कॉम्पोजिशन, अगर इंग्लिश कॉम्पोजिशन, साइंस और कॉमर्स वालों का कॉम्पोजिशन है 30 तारीख को सेकंड सेटिंग यानी 2 बजे से 4 बजे तक वाला। अगर आपका भी हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर का है कॉम्पोजिशन में तो आप लोग उसी दिन पेपर देने जाएंगे, पहले हिंदी का देंगे फिर इंग्लिश का देंगे, ठीक है, उसी दिन आपको, ठीक है। अगर आप लोगों का कॉम्पोजिशन 100-100 नंबर का है, हिंदी कॉम्पोजिशन 100 नंबर का है 100-100 नंबर का, तो आप लोग फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर आपको सेकंड सेटिंग में 30 तारीख को आप लोगों को पेपर देने जाना है। कितना तारीख को? 30 तारीख को सेकंड सेटिंग में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब बात कर लेते हैं वहीं पर OMR सीट भरने की, तो OMR सीट कैसे भरना है आपको यह मैं जानकारी आपको पहले दे दूं। तो देखिए दोस्तों जो OMR सीट भरना चाहते हैं स्टूडेंट्स, OMR सीट भरने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भरकर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में OMR सीट और आंसर सीट साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर दोनों तीनों सब डाल दिए जाएंगे,
टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। सभी स्टूडेंट्स आने वाली सभी जो जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जितने भी देर मत करिए, जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।